चलिए शुरुआत करते हैं आज की, किस प्रकार से हम टेम्पलेट का यूज करके प्रेजेंटेशन बनाएंगे, मतलब फास्टली प्रेजेंटेशन बनाना जो हमें एक अच्छा लुक दे, एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। और वो भी मोबाइल से बनाएंगे तो मतलब एकदम बढ़िया लुक का प्रेजेंटेशन, तो इसका हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। ये हमारे पास प्रेजेंटेशन जो नीचे दिए हुए हैं ढेर सारे, ये प्रेजेंटेशन के टाइप दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई भी एक प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखता हूँ कि कौन सा लेता हूँ। मैं अभी एजुकेशन मैं हूँ तो एजुकेशन वाला ही प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको ले करके दिखाता हूँ। कोई भी, मैं एक क्लास का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो क्लास का प्रोजेक्ट मैंने टिक कर दिया। अब इस पे हमारे पास नेट की मदद से हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे प्रेजेंटेशन आ जाएंगे। आपके मोबाइल में अगर नेट स्पीड बहुत स्लो है तो प्रेजेंटेशन लोड होने में हो सकता है स्लो लगे। हमारा देख रही है नेट बार बार दिक्कत कर रहा है, तो ये थोड़ा प्रेजेंटेशन स्लो लोड हो रहा है। हालांकि मैंने पहले से प्रेजेंटेशन जो है एक दो लोड कर रखा है, मेरे को यहाँ दिक्कत कर रहा है। मैं अपने पास जो ले रखा हूँ मैं उन्हीं को लेता हूँ, ये वाला हमने ले रखा है। तो देखिए मैंने इसे ये डाउनलोड कर रखा है पहले से, डाउनलोड करने में हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, तो आप उसमें परेशान ना होइए। इसके अंदर देख रहे हैं कि पेज अच्छे खासे बने हुए हैं सारे के सारे, तो आसानी से आप प्रेजेंटेशन इसके मदद से बना सकते हो जो, ठीक है ना। अब करना कैसे, देखो जैसे कि इसके अंदर हम बड़ा कर लेते हैं इसको अपने हिसाब से, हमें बड़ा कर लेना है जहां जहां चेंजिंग की जरूरत है। जैसे हमें कार्टून एजुकेशन, ठीक है ना, लिखा हुआ है, तो हम कार्टून एजुकेशन पे क्लिक कर दिए। हमें लिखना है इसको एडिट करना है ना, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके सॉरी इस वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर आ जाएगा। कार्टून नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है ना। अब कंप्यूटर में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हमने मान लो डाल दिया कि मैं ले रहा हूँ ट्रिपल सी, तो मैंने इधर नाम डाल दिया ट्रिपल सी, ट्रिपल सी, ठीक है ना, ट्रिपल सी कोर्स, ट्रिपल सी कोर्स। चाहो तो छोटा ही कर दो, कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़ा करो, ये थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि देखने में ये बढ़िया लुक में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया है प्रेजेंटेशन। अगले वाले में जाते हैं, ऐसे एडिट कर लेना है, ठीक है ना। इसमें कैटलॉग आ रहा है, देखो इसको थोड़ा धीरे से करना है, नहीं तो ये इधर से उधर भाग जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिपल सी में पहला चैप्टर क्या है, हम जो पढ़ते हैं ना उस चैप्टर का नाम बताना यहाँ पर है। तो अगर आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे लिखना है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करो, यहाँ पे वेबसाइट खोल लो RITI की, ठीक है। अपने मोबाइल में जाओ, यहाँ पे टाइप करो RISIT इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही से सर्च करने की जरूरत है। देखो यहाँ पे आ गया है, लोगो भी आ गया है, ठीक है ना। तो ये इस पर क्लिक कर दोगे ये खुल जाएगा, ध्यान रखना यही खोलना है दूसरा नहीं, R-IT.com, तो नहीं तो गलत खोलोगे तो दूसरा खुल जाएगा। अब इस वाले में आने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रिपल सी सर्च कर लो बस अपने आप से इसमें। तो ट्रिपल सी में यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी रिसेंटली में, तो मैं यहाँ पे ट्रिपल सी ये कोर्स पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है तो कोर्स भी आ जाएगा अपने आप से इसके अंतर्गत। चलिए ये देखो दिया हुआ है सिलेबस, ट्रिपल सी का भी लेटेस्टली हमने डाला है, सिलेबस डाल सकते हो उसमें से। कैसे डाल लोगे, पहले सिलेबस तो खोलोगे ना, यहाँ से हम खोल देते हैं सिलेबस को। तो सिलेबस को क्या करना है, ओपन कर देना है यहाँ पर। अब ओपन करोगे तो ये आपका खुल जाएगा यहाँ पर सिलेबस में, देखिएगा नीचे ये बार बार मेरा इंटरनेट दिक्कत कर जा रहा है, इस वजह से ऐसे हो रहा है जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम। देखिए पहला आ गया इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, पहले हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन, या ये है जो भी आपका नाम आ रहा है इंट्रोडक्शन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने उस पोज जाएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे इंट्रोडक्शन। चलो मैं एक चीज सिखा भी देता हूँ साथ ही में, कॉपी पेस्ट करना है यहीं से, है
ना, ताकि आपको टाइप ना करना पड़े। देखो इस पर क्लिक रखो थोड़ी देर, ये हो गया कॉपी। कॉपी होने के बाद में इस पे प्रेस करके आप इधर आ जाओगे, ठीक है। यहां से एडिट कर लेते हैं हम। ये हमने इंट्रोडक्शन डाल दिया, बट इसमें मिस्टेक कर दिया हमने। क्या मिस्टेक कर दिया, देखो यहाँ पर ये हमें एडिट पे गए हम, पहले हमें इसमें से डिलीट कर देना है सारा कुछ सारा, और डिलीट करने के बाद में हम फिर पेस्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पे गए और पेस्ट पर हम जाएंगे, तो इसके अंदर देखो फाइल ओम और पेस्ट का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है भाई, ढूंढने में भी कोई भी चीजें नहीं मिलती, तो मैं पेस्ट कर दिया। अब लो पेस्ट तो हुआ लेकिन गलत जगह पेस्ट हो गया, तो अंडू करना पड़ेगा मुझे वापस। ये हो गया पेस्ट यहां पर। तो इस तरीके से हमने पहला ले लिया। अब ये दूसरा वाला है कंप्यूटर कंपोनेंट। देखो ऐसे इसको धीरे धीरे करके सीखना है, जितना अच्छा सीखोगे उतने आपके लिए फायदा रहेगा। तो ये एक एक करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे प्रेजेंटेशन में हम जाएंगे और हम क्लिक करके क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, एडिट करेंगे। ये हमने पेस्ट डाल दिया यहाँ से, ये पेस्ट हो गया हमारा। अब अगले पे आते हैं, कुछ हटा देना चाहता हूँ तो हटा दीजिए इसमें से, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है ना। एक ही बस एक शब्द रखिए यहाँ से, जो भी लाइए एक शब्द लाइए, पूरा ना लाइए क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है यहाँ पर। तो इस पे हम खाली हार्डवेयर कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, तो इस वाले के लिए हम बना देंगे यहाँ पे हार्डवेयर। यहाँ से हमने क्लिक किया और ये हटा देते हैं हम, हार्डवेयर लगा दिया हमने ऐसे यहाँ पर। ऐसे आपको क्या करना है, सारा कुछ चेंज कर देना है कि करके यहाँ पे। सॉफ्टवेयर कर दिया हमने, ये पेज हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब इसके अंदर नीचे वाला कंटेंट ऐसे एडिट कर लेना, नीचे वाला भी कंटेंट ऐसे ऐसे करके एडिट करना है, ठीक है। तो अगले पेज पर आ गए। अब पार्ट वन, कार्टून एजुकेशन में पार्ट वन क्या है, पार्ट वन जो अभी मैंने बताया वहां पर वही आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे बनाते हुए सारा प्रेजेंटेशन एक करके बनाना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको उसके बारे में और थोड़ा सा डिक्रोट करिए, जो कंटेंट वहीं का उठाइए, कॉपी पेस्ट करिए, प्रयास करिए इसको बनाने का जो, ठीक है। ताकि आप जैसे जैसे बनाते जाओगे, जैसे कि इधर क्या क्या डाल सकते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ से कंटेंट उठा लीजिए जाकर के वेबसाइट से। यहाँ प्रेस किया, इसके अंदर कंटेंट दिया हुआ है, एक एक करके जैसे हिंदी है हिंदी उठा लीजिए, ये वर्ड आपके दिमाग में जाएंगे। अगर इसको बनाओगे तो आपको पूरा ट्रिपल सी का सिलेबस याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं गया, अब इसको एडिट पे क्लिक कर दिया यहाँ से, और ये हमने हटा दिया, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। सीपीयू आ गया, सीपीयू के बारे में आ गया आराम से यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे पिक्चर भी डालना है इस जगह पे, तो पिक्चर भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। पिक्चर आपको डालना है तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हो इसमें, बट पिक्चर डालने से पहले कैसे डालोगे, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे इसको तो रहने दो, नहीं तो ये हट जाएगा। देखो इस वाले क्लिक करके एक नया टैब ले लीजिएगा, नया टैब, पुराना टैब रहने दीजिए। यहाँ पे आप जाकर के सर्च कर लीजिएगा जो है सीपीयू, सीपीयू सर्च करिए, और सर्च करके थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है तो ये दिक्कत कर रहा है, बार बार जो है नेट की दिक्कत हो रही है। एकदम से जरूरत के टाइम में बिल्कुल नहीं चलता नेट जो है, जब भी जरूरत होती है तो ये ऐसे दिक्कत करने लग जाता है। हालांकि नेट ठीक है लेकिन कुछ नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। चल जाओ भाई, चल जाओ फटाफट हो जाए। मैं इसको हटा दिया तो ये चल जाएगा, क्योंकि बिना नेट के तो चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इमेज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारे पास इमेज आ जाएगा, ये वाला सीपीयू है, इसी को कॉपी कर लेना है आपको, है कॉपी द इमेज एंड द पेस्ट। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हम क्लिक रखेंगे,
यहाँ पे देखो धीरे धीरे इसके अंदर देखना है कि पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ पा रहा है इसके अंदर, तो भैया क्या करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा फिर से इसी वेबसाइट पर। इसी राइट क्लिक रखो, डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर दो, ये हो जाएगी डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर है, यहाँ पे ऐड कराना पड़ेगा पिक्चर। तो हम यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद में हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, पिक्चर ऐड करना। हमने आपको बताया था कि पिक्चर कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है, ये हमने टिक करके ओके कर दिया, ये पिक्चर हमारे पास आ गई। तो ऐसे सीपीयू का पिक्चर लगाना है, छोटा कर लीजिए पिक्चर आप अपना, इस तरह से पिक्चर यहाँ पर लग गया, ठीक है। ऐसे अगला टॉपिक जो है, ठीक है ना, अब मान लो ये वाला प्रेजेंटेशन नहीं लेना हमको है ना, तो इसको क्या करना है, ये वाला प्रेजेंटेशन नहीं लेना है तो इसे क्लिक रखो, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर डिलीट है, लेआउट है, एक्सट्रैक्ट ट्राई जो, ठीक है ना, जो भी आपको है यहाँ पे, तो इसको नहीं लेना तो डिलीट कर दीजिए वाला प्रेजेंटेशन। हमें कोई अगर पिछला वाला लेना है तो पिछले टाइप का फॉर्मेट लेना है, इसे ये वाला लेना है, ये वाला बढ़िया लग रहा है अभी है हमें, है ना, ये वाला अच्छा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस पे हम मान लो जाते हैं, कैसे करेंगे चेंजिंग, मैं एडिट पे गया और इसका मैंने कर दिया नाम कंप्यूटर। अब यहाँ पर हमें पिक्चर डालनी है इस जगह पे, तो हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे वेबसाइट पर और हम यहाँ पर कंप्यूटर डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि मैं कौन सा कंप्यूटर डाउनलोड कर लूँ, अच्छा सा कोई भी एक कंप्यूटर मुझे डाउनलोड करना, जैसे ये वाला डाउनलोड करता हूँ मैं, डाउनलोड पर क्लिक कर दे, डाउनलोड हो जाएगा ये। अब डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, हमको अपनी वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पे हम टिक करेंगे, जिस टिक करेंगे यहाँ पे जाएगा आपका सेट है, चेंज इमेज आ रहा है, चेंज इमेज पे क्लिक करिए, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर आ गई, पिक्चर पे हमने टिक करके ओके कर दिया, यहाँ से पिक्चर देखिए अंदर चेंज हो गई जाकर के अपने आप से जो, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से पिक्चर को चेंज कर लेंगे अपने आप से। अब इसके बारे में लिखना इधर थोड़ा थोड़ा कंटेंट है, ये थोड़ा गलती से मूव हो गया तो अंडू कर दिया हमने। अब देखो इसमें कुछ ऐड कर दीजिए, इसमें कुछ ऐड कर दीजिए, ऐड कहाँ से करना है, वही वेबसाइट खोलना है आपको, अपनी वेबसाइट खोलनी है। जैसे मेरी वेबसाइट थी यहाँ पे, मैंने इस टैब पे क्लिक किया, हमारी वेबसाइट कहाँ खुली थी, यहाँ खुली थी, तो हम यहाँ पे वापस में आ गए। अब इस तरीके से हम इसमें से देख देख के कंटेंट को कॉपी करेंगे, पेस्ट करते चले जाएंगे वहाँ पे। मैं एक करके दिखा रहा हूँ दोबारा, देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ तक का ले लिया है, ये मैंने कॉपी कर लिया है और हम वापस आ गए अपने जो यहाँ पे काम कर रहे थे। हमें ये वाला नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया, ये वाला भी कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, इसको भी डिलीट कर दिया, ये वाला ज़रूरत है हमें तो रखते हैं, नहीं तो यहाँ यहाँ पे हम ये भी डिलीट ही कर दें चाहे तो रहने देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे कंटेंट, तो एडिट पे क्लिक कर दिया, इसको हटा देते हैं, सारा का सारा हट गया पूरा पूरा, हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया, क्लिक कर दिया हमने यहाँ पे अलग से थोड़ा सा, करने के बाद यहाँ पे प्लस कर लीजिए थोड़ा सा, ये बड़ा हो जाएगा फॉन्ट साइज, ठीक है ना। करने के बाद में देखो इसके अंदर हमें मिलेगा बुलेट एंड नंबरिंग्स, देखिए बुलेट एंड नंबरिंग्स आ गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसके बारे में सेट कर लिया। ये वाला थोड़ा प्रेजेंटेशन हमें अलग टाइप का दिख रहा है, चाहे तो इस पर बनाए, नहीं तो इसको डिलीट करके ये वाला कॉपी कर लो, इसी पे जैसे प्रेस करोगे इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉपी, ठीक। या हम कॉपी करने के बाद में न्यू न्यू लेने के बाद में ब्लैंक ले लीजिए यहाँ से, एक ब्लैंक, ठीक। ब्लैंक लेने के बाद में इसी पे क्या कर देना, पेस्ट। तो हमारा पिछला वाला जो प्रेजेंटेशन था वही आ गया, ओ सॉरी ब्लैंक वाला तो बने रह गया, तो इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। देखिए ये वाला हमारा है और ये वाला हमारा है। अब क्या करना है, हमें इस पर कुछ और कंटेंट डालना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पर जाएंगे वापस कंटेंट को, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए ठीक से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा तो मैं इसमें से कोई भी मान लो ये वाला लेना है मुझे, ये पिक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में हम करना क्या है, करना हमें यहाँ पे ये है कि हम फटाक से जाएंगे अपने स्लाइड पर और हम इस वाले जगह पे जाएंगे, इसमें आ जाएगा चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर पे क्लिक करके हम यहाँ से अपने पिक्चर को कर लेंगे चेंज। तो यहाँ पे हमने टिक मारा और चेंज कर दिया पिक्चर हमारा, इस तरीके से चेंज हो गया। अब ये आ गया, अब कंटेंट भी तो लगाना है यहाँ पे है, तो कंटेंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये हमारी वेबसाइट है वही, यहाँ पे हम जाएंगे और ये हमने मान लो ले रखा है, तो यहाँ से हमने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया जहां तक हमें लेना है कंटेंट को। ये चीज सीखना जरूरी भी है आपको, है पूरा पढ़ना भी है, तो
अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अभी जो है क्या करना है, इसको हमें सेलेक्ट कर देना है सारा का सारा। तो एडिट पे क्लिक कर दिया, यहाँ से हमने पूरा का पूरा इसके अंदर का जाना सारा कंटेंट रिमूव मार दिया। अब ये हो गया रिमूव्ड, ठीक है। रिमूव करने के बाद में इसके अंदर पेस्ट मार दिया सारा सारा, थोड़ा बाहर जा रहा है कंटेंट हमारा भी। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेंट थोड़ा सा हमारा बाहर जा रहा है। एडिटर ले लिया, कंटेंट को हम रिमूव करेंगे अभी थोड़ा सा, क्योंकि कंटेंट हमारा कुछ बाहर जा रहा है, तो थोड़ा सा हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना लेंगे। बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इसे कर लेना है डन। डन करने के बाद में जब प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो इसका जो प्रीव्यू मोड होगा वो काफी अच्छा लुकअप मोड होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर जो है जो भी देखेंगे अच्छा लगेगा, किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन लग रहा है हमारा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप ऐसे और कंटेंट देखना है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो नया आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसे किसी और भी को शेयर कर सकते हो। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है कंप्यूटर की, तो उसे इस वीडियो को शेयर करिए, उसे इसको बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो इतना करना, अब आप लोग जो है करके और हमें व्हाट्सएप करिए जो है, ठीक है ना। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ले सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम एमएस वर्ड का स्टार्ट करेंगे। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे एमएस वर्ड, और उसके अंतर्गत चीजों को हम आपको बताना शुरू करेंगे। तो मोबाइल में ही सब कुछ करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है कि आप मोबाइल से सारा काम कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।